الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم
صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم हर किस्म दियां हमदा सनावां बड़ाइयां किबरियाइयां बादशाहियां शहनशाहियां यकजाइयां जितने भी तारीफाती सिफाती कलिमात ने कमालात ने सब दे सब कल्ला वहदहू ला शरीक दी जाते अकदस ते वास्ते जो कुल कायनात दा खालिक मालिक राजिक दाता मुश्किल कुशा और हाजत रवा है मुख्तसर जामे हमदो सना तो बाद रेत दे जर्रात नालों भी ज्यादा पानी दे कतरात नालों भी ज्यादा जहन दे तसव्वुरात नालों भी ज्यादा अनगिनत ला तादाद बेहद्दो हिसाब दुरुदो सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुस्साकलैन इमामुल मुजनिफीन इमामुल शाफिईन इमामुल मुजाहिदीन इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम दी जाते गिरामी दे वास्ते हजराते गिरामी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिथे इस्लाम दी दौलत नू अता फरमाया उथे हमेशा हक और बातल दी जंग रही है
और एक याद रखना बात, नेकी करना आमाल करना सोखा काम है, इन्हां नूं संभालना इन्हां दी हिफाजत करना औखा काम है। कई दफा इंसान बड़िया नेकियां कमा जांदा है, बड़े बड़े लंबे रुकू ते सुजूद कर जांदा है, लेकिन एक छोटा जिन्ना गुनाह हो जांदा है जिदी वजह नाल ओदियां सारी जिंदगी दियां नेकियां अल्लाह बर्बाद और तबाह करके रख देना। इस करके आज दे दौर दे अंदर राफजियत, क्योंकि उरूज पसीर हो चुकी है, जिन्ना ने मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जानिसार असहाब दी शान और मुकाम ते बेशुमार हमले कीते ने, और एक नुक्ता अपने जहन नशी करके लै जाना कि जिथे तक मेरा पैगाम पहुंचे, जिन्ना नू अर्श वाला रब कह दे के उलाइका हुमुर राशिदून, जिन्ना नू अर्श वाला रब कह दे उलाइका हुमुल मुफलिहून, जिन्ना नू अर्श वाला रब कह दे उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, जिन्ना नू मेरा रब कह दे रजी अल्लाहु अनहुम व रजू अनहु, जिन्ना नू अर्श वाला रब कह दे उलाइका हिजबुल्ला, और सारी कायनात भी मिल जाए, बोलो उन्हां दी शान विच उन्हां दे मुकाम विच एक राई दे दाने दे बराबर घाटा कर सकदे नहीं कर सकते। और मैं अगे जावां, जिन्ना ने मेरे पैगंबर दे असहाब दे विचों एक आखरी सहाबी दे बारे अपने जहन दे अंदर फतूर पैदा कीता है, नफरत पैदा कीती है, यार असहाब दे बारे नफरत बाद दे अंदर पहला उन्होंने रब दे कुरान दा इनकार कर दिता है। देखो ना, हुन मैं कह देव कि जनाब हजरत जी है बंदा बड़ा काबिल एतमाद है, ओदे तो बाद ओदे ते तहकीक बन दी नहीं, अगर तहकीक करोगे तो गोया तुसी मेरे अल्फाजा नू जाया कर दिता है, तुसी ओदे ते बद एतमादी नहीं कीती, गोया मेरे ते बद एतमादी कीती है। जिदों अर्श वाला रब कह दे कि उलाइका हिजबुल्ला ए मेरी जमात है, जिदों अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा देन ए मेरे महबूब मैं हजरत आदम अलैहि सलातो व सलाम तो लैके न जिन्ने भी पैगंबर आए ने सब नू असहाब दिते ने, पर जिंज दी जमात मैं रब ने तेनू अता कर दिती है, किसी पैगंबर नू अता कीती नहीं, फिर मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम जबाने नबुवत विचों अपने जुमले अदा करके कह दें, कायनात दे लोगों मेरे असहाब नू बुरा ना आखिया जे, मेरे असहाब दी शान इतनी है कि कोई बंदा ओहद पहाड़ दे बराबर सोना अल्लाह दे राह विच खर्च करे, मेरा अदना जे असहाबी एक मुठ जौं दी भर के अल्लाह दे राह विच खर्च करे, आम इंसान आम उम्मती दा ओहद पहाड़ दा सोना मेरे पैगंबर दे सहाबी दी मुठ जो दा मुकाबला नहीं कर सकते। आओ अज दी मुलाकात दे अंदर जो सबक है वह है कि नबी अली सलातु वसलाम दे सहाबा नाल प्यार होए, उना दे इमाम ते पूरा यकीन होए, जिन्ना दे इमाम दे तज़किरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर फरमाए ने, जिन्ना दी शान आम इंसान नहीं अर्श वाला रब बयान करदा है, अल्लाह ए नलके कुहाले अंदर रहन वाले जमाले मुस्तफा मस्जिद अंदर जुमा पढ़न वाले
अल्लाह पुछदे ने किन्नी को शान है नबी दे सहाबा दी, ते अल्लाह फरमांदे ने आओ कुरान पढ़ो ताकि तुहानू पता चल जाए कि मैं सहाबा नू शान किन्नी अता कीती है, असहाब दा मुकाम की और मर्तबा की अता फरमाया। आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान ते गौर फरमाना। अल्लाह फरमांदे ने या मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान नबुवत तो ऐलान आम फरमा दीजिए, कयामत दियां दीवारां तक कौन वाले लोगों तक पैगाम पहुंचा दीजिए। और नमाजियो तुसी भी सुन लो, रमजान दे रोजे रखने वालों सुन लो, और तकवा इख्तियार करने वालों तुसी भी सुन लवो, जितने भी मुत्तकी ते परहेजगार बनन वाले इमाम दे दावे करन वाले ने सारे सुन लवो। अर्श वाला रब मुखातब बयां कर दे, अल्लाह सोने केड़ा पैगाम है। अल्लाह फरमांदे ने फ इन आमनु बि मिसलिमा आमन तुम भी फकदिह तदउ अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे ओ बंदे ओ अगर चाहते हो तुहानू तुहाडा ईमान किवें मुकम्मल होएगा, तुहानू किवें पता चलेगा कि तुसी ईमान वाले हो, तुहानू किवें पता चलेगा कि तुहाडियां नमाजां सही ने, तुहानू किवें पता लग जाएगा कि तुसी अल्लाह दे महबूब बंदे हो। मेरे रब ने फरमाया फ इन आमनु बि मिसलिमा आमन तुम भी फाका दिखता दो, अगर चाहते हो तुहाडियां नमाजां कबूल हो जान, अगर चाहते हो तुहाडियां इबादतां कबूल हो जान, फिर अपनियां इबादतां इंज करनियां ने जिवें मेरे नबी दे सहाबा इबादतां कर गए ने। अपनियां नमाजां नबी दे सहाबा दियां नमाजां वर्गियां बना। हजरात ऐ जे आइडियल बना दिता ईमान नू, आइडियल सहाबा दे ईमान नू, अज दा कोई राफजी उठ के मेरे नबी दे सहाबा दे बारे अपनी गंदी जुबान चलाए ते अपने ईमान दियां हिफाजतां करनियां जे, रब्बे अकबर दी कसम है जिदे दिल दे अंदर मैं नहीं कह रहा जबान नबुवत जे। रावी हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला इस रिवायत दे रावी ने आंदे ने मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बद नसीब बंदा अल्लाह दे नबी दे असहाब दे बारे अपने दिल विच बुगज रखदा जे ना, सही सनद दे नाल रिवायत जे फरमाया जेड़ा बंदा नबी दे असहाब दे बारे न अपने दिल विच बुगज रखदा उन्हां दे बारे न फरतान रखदा है ना, मेरे रब ने फरमाया अल्लाह दी कसम है उस जात दी जिदे कब्जे कुदरत दे अंदर मैं मुहम्मद दी जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जेड़े बंदे दे दिल विच असहाब दे बारे बुगज होएगा ना ओदा टिकाना जहन्नम अल्लाह ने बना दिता है ना, ओ चाहे तहज्जुद गुजार ही क्यों ना होए, ओ चाहे अपना लिबादा मुसलमानां दा क्यों ही ना ओढ़ के बह जाए। आओ मैं दसा मेरे रब नू नबी दे सहाबा दा ईमान क्यों पसंद आया। यार मैं एक चीज एक नुकता बयान करना जे पूरे जुमे दे अंदर, ओ नुकता जे मेरे नबी दे सहाबा दी तरजीहात किंज दियां सन, मेरे नबी दे सहाबा दी हिरस की सी, मेरे नबी दे सहाबा दियां फिकरां केड़ियां सन, ए ते सारे जानदे हो ना। नबी दे सहाबा मुत्तकी सन, नबी दे
सहाबा नू अल्लाह ने शिरक तो पाक रखे आए इतने सारे जान दे ना, पर मैं नबी दे असहाब दी तरजीहात वल तवज्जो दिलाना चाहना। शायद के तेरिया मेरिया तरजीहात भी बदल जान, शायद तेरी मेरी फिक्र भी उसे पासे आ जाए ना। एक दिन ना तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ फरमाने, ए मदीने दे अंसारी सहाबा एंज सारे जमा हो जांदे ने, मशवरा करदे ने, मजलसे मशूरा बठा लेंदे ने, आंदे ने यार मदीने दे अंदर साडियां फसलां नूं पानी सही चढ़ के नहीं लगदा, पानी दा निजाम बेहतर नहीं, इस करके साडियां फसलां नूं पानी सही चढ़ के नहीं जे लगदा, ते साडियां फसलां उस हिसाब दे नाल तैयार नहीं जे हुंदियां। आओ असी रल के चलिए अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल, अल्लाह दे नबी जी मदीने दे पानी दे निजाम दे बारे भी कुछ कीता जाए। ए सारे अंसारी सहाबा मशवरा करदे ने कि रल के अल्लाह दे पाक नबी दे कोल चलिए ना, अल्लाह दे नबी जी इस पानी दे निजाम नू बेहतर करना, तवज्जो करे आजे, तवज्जो करे आजे। मुतालबा कीए मदीने दे पानी दा मुतालबा है, मुतालबा दुनिया दा आरजी मुतालबा जे, मुतालबा ए जे के फसलां नू सही तरह पानी नहीं जे चढ़ के लड़दा, मेरे पैगंबर दे कोल मस्जिद नबवी अंदर आ गए ना। एक सहाबी मेरे नबी को ला के आंदा है, अल्लाह दे नबी जी आज अंसार सहाबा तुआडे दरे दौलत ते आके तुआडे मेहमान बन गए ने, ते कोई जाती मुतालबे लेके आए ने। यार इत्थे एक होर नुकता भी नोट करके ले जाओ, कोई बंदा चल के आ जाए ओदियां इज्जतां करिया कर, ओदे आम दी लाज रखिया करना, ओदे आम दी कदर करिया कर। अगर तेरा बाप चल के तेनू आके कोई कम कह दे, उस बाप दे वड्डे होन दी लाज रखिया कर। अगर वड्डा पाई चल के आ जाए ना तेरे कोल माफी मंगण, यार कोई भैणा बिछड़िया आ जाना, फिर ताने ना मारिया कर, फिर तंज ना करया करना, फिर सारिया गल्लां भुला दिया करना, आन वाले बंदे दिया लाजां रख लिया करना, जिवें मेरे पैगंबर रखिया कर दे। मेरे पैगंबर नूं पता चलिया ना अंसारी सहाबा आ रहे ने, अल्लाह दे नबी दे चेहरे ते मुस्कुराहट सज गई है। मेरे पैगंबर ने फरमाया मैनू खबरां देन वाले आ, जा जा करके अंसार सहाबा नू कह देना, ओ जिहड़े तुसी मुतालबे लैके आए हो ना, अज मुतालबे सोच समझ के करे आजे, मेरा पैगंबर तुहाडे आन दी लाज नहीं रखेगा। अज जिहड़ा भी मुतालबा करोगे मैं मुहम्मद रब कोलों तुहानू पूरा करवा देंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने ओन दियां लाजां रखियां ना, उन्हां दी कदर कीती ना। फिर इत्थे पता चलिया कि अंसारी सहाबा नूं मेरे पैगंबर वलों आफरां आ गईयां ने ना। यार अज दे दौर दे अंदर कोई वड्डा सरबरा कह दे ना, यार मंग की मंगना है, मैं तेरे पिछे खड़ा, मंग की मंगना है, यार ओदे पैर जमीन ते नहीं लगदे, यार मेरे पिछे कोई बड़े दी आफर आ गई है, और मैं सदके जावां, मैं कुर्बान जावां नबी दे असहाब दे मुकद्दरां तों, जिन्हां नूं आफरां करवाईयां ने ते आम इंसान ने नहीं, किसे एमपीए ते एमएनए ने नहीं, किसे चौधरी ते लंबड़दार ने नहीं, आफरां करवाईयां ने ते आम इनाम दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बान विचों आफरां निकलियां केड़ी ज़ुबान वन नजमी इज़ा हवा मा सल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुयो पैगंबर अपनी इजाज अपनी मर्जी नाल नहीं बोलते अल्लाह दी इजाजत दे नाल बोलते ने गोया पता चले नबी दे असहाब नू आफरा आ गईया ने हुन अंसारी सहाबा मेरे नबी दे कोल आ गए अल्लाह दे नबी जी मुतालबे ते होर लेके आए सन अल्लाह दे नबी जी ख्वाहिशां ते होर सन अल्लाह दे नबी जी गल्लां ते तुहाडे नाल होर करनिया सी पर सोनियो आफरां आ गईयां ने हुण इजाजतां दिओ ना असी आपस दे अंदर मशवरा कर लईए मेरे पैगंबर ने इजाजतां दित्तियां ना अंसारी सहाबा इंज मस्जिद नबवी दे एक नुक्कर दे अंदर बैठ के ग्रुप बना लैंदे ने आपस दे अंदर मशवरा करदे ने हुण अखां अखां नाल इशारे ने बुलां ते जिहड़ियां मुस्कुराहटां सज गईयां ने आंदे ने यार इतनियां बड़ियां आफरां मिल गईयां एक अदना जिहा सहाबी नबी दा अंसारी उठिया आंदा यार तुसी ते केड़े मुतालबे लई फिरदे हो तुसी ते आरजी दुनिया दे मुतालबे लई फिरदे हो तुसी ते ओ मुतालबे लई फिरदे हो कुल्लु मन अलैहा फान तुसी ते दुनिया दे मुतालबे लई फिरदे हो ना इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्कालहा व कालल इंसानु मालहा किते अल्लाह दे अल कारियतु मलकारिया व मा अदराक मलकारिया यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस अल्लाह दी कसम किते तर्जमा आंदा हुंदा ना मैं कुरान पढ़दा ते तेरियां टाइयां ही निकल जांदियां किते अल्लाह फरमांदे ने इदस समाउन फतरत व इजल कवाकिबुन तशरत व इजल البحار فجرت و اذا القبور بعثرت کتے اللہ فرماندے نے اذا الشمس كورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سيرت کتے اللہ فرماندے نے الحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون हज़रत जी मैं एक दर्जम तो ज्यादा आयतां पढ़ियां जिन्हां ए सारियां आयतां चीख चीख के कह रहियां ने ओए बंदिया ए दुनिया आरजी है इत्थे दिल ना लगा बैठी इस दुनिया नाल प्यार ना कर बैठी नबी दे सहाबा अपनी तरजीहात नूं ही बदल देंदे ने उन्हां दे अखियां दे सामने कुरान दियां आयतां जो झूल दियां पईयां सन यार उन्हां नूं तर्जमे पता सी ना उन्हां नूं मानी ते मफहूम पता सी ना आंदे ने अल्लाह दे नबी जी अगर सानू रब कोलों लै कई देना जेना अगर साडे ते एहसान करना जेना फिर नबूवत वाले हाथ चुक लो अर्श वाले रब कोलों इल्तिजावां कर दियो ना अल्लाह अंसारी सहाबा नू माफ कर दे अल्लाह अंसार ते राजी हो जाए यार तू मैं भी सुबह शाम को
कुरान पढ़ने भी आ, कुरान सुनने भी आ, अल्लाह दी कसम तेरे मेरे दिल दी दुनिया नहीं जे बदल दे, तेरी मेरी तरजीहात सुबह तू शाम तक कोई ना। यार मेरा मकान बन जाए, यार मेरा कारोबार स्टैंड हो जाए, यार मेरी आल ते मेरी औलाद तरक्की ते चली जाए, यार मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, यार मेनू शोहरतां ते ओदे मिल जान, यार मैं राह विच नंगा ते लोग उठ उठ के मेनू सलाम करन, लोग मेनू चौधरी साहब ते हजरत जी कह कह के पुकारन। यार तेरिया मेरिया तरजीहात इत्थे टिक गईयां ने, पर सोनिया नहीं 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 आवेख ना मेरे नबी दे सहाबा ने, आंदे ने महबूब जी हाथ चुको ना रब कोलो माफिया ही लै दियो, असी सारी रात सोशल मीडिया ते गलाज तां वेख के सुबह फजर वेले शर्मिंदा नहीं जे हुंदे, असी सारा दिन अल्लाह दियां ना फरमानियां कर करके शाम नू असी आराम नाल सो जाने, पर मेरे नबी दे असहाब दियां कैफियतां की ने, तहज्जुदां वी मस्जिद अंदर, नमाज़ां वी मेरे पैगंबर दे पिछे ने, जुमे वी मेरे पैगंबर दे पिछे ने। यार नबी दा सहाबी जानी वी कोई नहीं, उस वेले सोशल मीडिया दा दौर वी ते नहीं सी ना, हर वेले अपनी जुबान तू तस्बीहां पढ़न वाले, अल्लाह दियां हमदां बयान करन वालियां दी तरजीहात की है, हर वेले रो रो के फिक्रमंद हो के आंदे ने, अल्लाह दे नबी जी आज भी अगर सानू चाहिदे सानू मदीने दे पानी दा निजाम बेहतर होए या ना होए सानू कोई परवाह नहीं, साडियां फसलां चंगियां होण या मंदियां होण, अल्लाह दे नबी जी सानू कोई फिक्रा नहीं, सानू ते कोई फिक्रा ने, सोने दुआ कर दियो ना साडे ते साडा रब राजी हो जाए। मेरे पैगंबर ने इंज करके नबूवत वाले हाथ चुके ने ना, आपने फरमाया अल्लाह इन्हां अंसारियां नूं मुआफ कर दे, अल्लाह अंसार सहाबा ते राजी हो जा, अल्लाह इन्हां अंसारियां दे गुनाहां नूं मुआफ कर दे। यार मैं ते कहा करना अज कोई मुफ्त दी चीज मिलदी होए ना, ए दुनिया दियां चीजां पिछे असी कह दिंदे आ कि यार मेरी औलाद दा भी ख्याल रखिया जे, असी कह दिंदे आ मेरे रिश्तेदारां दा भी ख्याल रखे आजे। मेरे पैगंबर ने नबूवत वाले हाथ चुके ने ना, अंसारी सहाबा तड़पे ने, आंदे ने अल्लाह दे नबी जी हाथ चुकी लेने ना, पर सोनियो एक दुआ होर भी कर दियो, अल्लाह अंसार दी औलाद नू भी मुआफ कर दे, अल्लाह अंसार दी औलाद ते भी अल्लाह राजी हो जाए। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह अंसारियां नू मुआफ कर दे, अल्लाह अंसारियां दी औलाद नू मुआफ कर दे। एक होर जानिसार तड़पया, अल्लाह दे नबी जी हुन हाथ ते चुके ही ने ना, फिर ए भी कह दियो अल्लाह साडी औलाद दी औलाद नू भी मुआफ कर दे। मेरे पैगंबर दुआ कर रहे ने, एक चौथा भी तड़पया, अल्लाह दे नबी जी हुन ए भी दुआ कर दियो ना, अल्लाह साडे गुलामां नू, अल्लाह साडे नौकरां ते मुलाज़ मानू भी अल्लाह मुआफ कर दे। यार कैसिया फिकरा ने, क्योंकि या अयो हल्लाजीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उन्हां नू पता सी ना कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अर्रईयती, उन्हां नू पता ना असी कल्या जन्नत विच ते नहीं ना जाना, जन्नत दा मजा ही ताएं जे असी इत्थे भी सारी फैमिली कट्ठे रेंदे रहे हां, अल्लाह जन्नत विच भी सारी फैमिली नू कट्ठियां कर दे। हज़रत जी उन्हां दी तरजीहात ही बदल गईयां, उन्हां दियां फिकरां बदल गईयां, उन्हां दियां सोचां बदल गईयां, उन्हां दे मुतालबे बदल गए, ते इधर अर्श वाले रब ने भी कैमरा फिट कीता सी, इहदा तज़करा अपने कुरान अंदर फरमा दिता है।
अल्लाह फरमांदे ने फा इन आमनु बि मिसली मा आमनतुम बिहि फकद इहतदौ कयामत दियां दीवारां तक आन वाले लोगो ओ कयामत दियां दीवारां तक आन वाले नमाजियो कयामत दियां दीवारां तक आन वाले मोमनो अगर ईमान ले आना जे मेरे नबी दे असहाब जैसा ईमान लेके आयो इन्ना जैसियां अपनियां फिकरां बना ले आजे अपनी तरजीहात नबी दे असहाब दी तरजीहात जैसी बना ले आजे ना एक दिन ना दौरे खिलाफत किदे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अंदा दौरे खिलाफत इंज करके माले गनीमत तकसीम कर दिता गया अमीरुल मोमिनीन जिस वक्त नबी दे असहाब दे विच माले गनीमत तकसीम कर दिता ना फिर सोचदे ने सोची पै जांदे ने यार जिस वेले मेरे पैगंबर होंदे सी ना उस वक्त कैफियतां होर ही होया कर दियां सन अज मैं चेक करना है किते नबी दे असहाब किते इमाम तू ते नहीं ना फिर गए इंज करके एक नबी दा असहाब सहाबी नाम है हजरत अबू उबैदा बिन जरार कह दियो ना रजी अल्लाह तआला रजी अल्लाह ताला आंदे ने अबू उबैदा प्यारे माले गनीमत मिल गया जी अमीरुल मोमिनीन मेनू माले गनीमत दे विचों मेरा हिस्सा मिल गया है फरमाया अबू उबैदा मेरा जी कर दे मैं आज तेरे घर जावां तेरा मेहमान बन के तेरे घर दियां ज़ियारतां करां और नीयत की सी मैं वेखां अबू उबैदा ने किन्ना को माल जमा कीता अबू उबैदा दियां कोशिशां की ने अमीरुल मोमिनीन मेरे घर ना जान इन्हां नूं गल्लां विच लांदे ने कदी सज्जे गल करदे ने कदी खब्बे गल करदे ने पर अमीरुल मोमिनीन आंदे ने अबू उबैदा मैं तेरे घर जाना चाहना यार तवज्जो मेरे वल करिया जे मैं गल समझाना चाहना अबू उबैदा अमीरुल मोमिनीन नूं लैके चल रहे ने इंज समझ लो ना के शहर दे इलाके विचो नंगे ने एक वीआईपी कलोनी विचो नंगे ना प्यारे उमर दियां नजरां पईयां ना सज्जे खब्बे बड़े बड़े आलीशान मकान ने आंदे होणगे सारियां जगह भी अबू उबैदा दियां होणगियां इंज कलोनियों निकले फिर एक गांव दे अंदर चले गए एक गांव दे अंदर जाके एक बस्ती दे अंदर चले गए प्यारे उमर आंदे ने अबू उबैदा किथे ले जाना फरमाया सोने अपने घर लेके जा रहा वा और नलके कुहाले वाले आओ दुनिया नाल प्यार करन वाले आओ अपने दिल ते हाथ रखना असी दुनिया दे पुजारी हो के भी नबी दे असहाब नू मंदा कहिए अल्लाह दी कसम फिर तेरे मेरे ईमान अंदर शक जे नबी दे असहाब दे ईमान अंदर शक नहीं हजरत अबू उबैदा एक कखां दी कुली विच लै गए ना इंज जाके जदों प्यारे उमर ने इस कुली विच कदम रखिया ते नजरां दौड़ाइयां ना ना इस कुली अंदर कोई बैड ते ना कोई बेडरूम है ना किचन ने ते ना कोई बर्तन है इस घर दी बनाओ ते संवारी कोई नहीं ते कखां दी एक कुली है ते हजरत उमर रो पे ने आंदे ने अबू उबैदा ए कोई तेरी रिहाइश गावे आंदे ने अमीरुल मोमिनीन जी जी कोई मेरी रिहाइश गाए अबू उबैदा मेनू दस नजर आ तू जिस वक्त नींद आंदी है ते की करना अबू उबैदा जदों भुख लगदी है ते फिर की करना अबू उबैदा दियां चीखां निकल गईयां अल्लाह दे
ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਛੱਪੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜਿੱਦੂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਦੂ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਆਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਯਬੀਤੂਨ ਲਿਰੱਬਿਹਿਮ ਸੁਜਦਾ, ਆਜ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله فضلا من الله فضلا من الله ورضوانا ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਮਹਬੂਬੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੰਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਤ, ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦੀਆਂ ਤਵੱਜੋ ਸਾਰੀਆਂ, ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦਾ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿਦੀਕਾ ਤੈਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੀਵੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕਮਯਤੁਨ ਵਾ ਇੰਨਾ ਮਯਤੁਨ, ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕੁਲ ਇੰਨਾ ਸਲਾਤੀ ਵਾ ਨੁਸੁਕੀ ਵਾ ਮਹਿਯਾਯਾ ਵਾ ਮਮਾਤੀ ਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਵਮਾ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਇਲਾ ਰਸੂਲ ਕਦ ਖਲਤ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਿ ਰਸੂਲ, ਵਕਤ ਕਲੀਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ, ਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਗਮਜ਼ਦਾ, ਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ
रजी अल्लाह ताला इंज करके बैतुल माल दे दरवाजे दे करीब खड़े ने ना वेख्या ना नबी दियां सारियां बीवियां दे करों समान आन लग पे आए। नबी दियां सारियां बीवियां ने घर दा समान कट्ठा करके बैतुल माल दे अंदर भेजना शुरू कर दिता। अब्दुर रहमान बिन ओ वेखदे ने यार अगे मेरे पैगंबर दी जुदाई दा गम इतना है, हुण मेरे नबी दियां बीवियां उम्मत दियां मावां दे घर घर विच समान ही कोई नहीं। इंज करके जल्दी नाल अपने घर जांदे ने ना, एक सवारी ते सवार होए ते मदीनियों बार चले जांदे ने, एक मदीनियों बार इलाके दे अंदर इन्हां नूं अल्लाह ने जमीनां दित्तियां ने, इतनी को जमीन इतनी जायदाद ना इहदे तज़करे ते कोई हदीस ते तारीख दी किताब अंदर नहीं मिलदे। बस इतनी बात है, अल्लाह ने इतनियां जमीनां दित्तियां ने ना कि इन्हां जमीनां नूं सैराब करन वास्ते वी कुंवे पानी दे सन, जेड़े दिन रात चलदे ने ट्यूबवैल चलदे ने, इन्हां जमीनां नूं फिर पानी लगदा सी। नबी दा सहाबी है, इन्हें आ करके ऐलान कर दिता ना अब्दुर रहमान अपनी सारी जायदाद अपने सारे कुएं बेचना चाहता है, इहदे रेट लग के इन्हें सारी जायदाद बेची है ना। इंज करके दौलत पकड़ के घर लैके आ गए ने, इंज करके इन्हां सारिआं पैसिआं दे नौ हिस्से कीते ने, नौ हिस्सिआं दे अंदर ये पैसे तकसीम किते, नौ थैलियां बना लईआं गईआं। हुण अगली गल समझण वाली जे हुण आंदे ने, मैं अल्लाह दे पाक नबी दी हर बीवी दे घर इस उम्मत दी हर मां दे घर एक थैली भेजनी है, पर मैं आना मेरा नाम ना आए, मैं अमल करां इस अमल दा सिर्फ मैनू ते मेरे रब नू पता होए। हजरत जी अज असी किसी नूं 500 भी देना होए ना असी सैल्फियां लैने आ, हजरत जी कोई किसी नूं आटे दा बोरा दे देना फिर सोशल मीडिया ते उहदी जलालत दा ऐलान भी करदा जे, हजरत जी बाज आ जाओ इंज दे अमाल मेरे रब नूं पसंद नहीं जे, बल्कि ऐ अमल मेरा रब गले दी हड्डी बना दे देंदा जे। आओ वेखो मेरे नबी दे असहाब दा तरीका भी ते वेखो ना, मेरे पैगंबर दा सहाबी मस्जिद नबवी दे अंदर आया ना, वेखिया मेरे मस्जिद नबवी दे अंदर एक होर सहाबी ते नजरां पईयां, ऐ सहाबी कौन है, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ दी जिस वक्त बहन जवान होई सी ना, एदे रिश्ते वास्ते तलाश करदियां करदियां ना मस्जिद नबवी अंदर पहुंचे सन, एको ही नबी दा सहाबी अल्लाह दियां इबादतां करदा सी पिया, एदियां इबादतां वेखियां ना, एदा तकवा वेखिया ना, एदा ईमान वेखिया ना, एदियां हालत ईमान दियां कैफियतां वेखियां ना, हजरत जी एदा बाजू पकड़िया अपनी भैन दा निकाह दे नाल कर दिता है। यार अज तेरियां मेरियां ए कोई ते गलतियां ने, असी वेखने आ कोई मालदार मिल जाए, असी वेखने आ कोई चौधरी मिल जाए, असी वेखने आ कोई उच्चे ओहदे वाला मिल जाए, हजरत जी फिर साल बाद नतीजा की निकलदा है, ए जवान बेटी फिर घर वापस आ जांदी है। हजरत जी जिस वक्त वेखना ही ईमान वेखिया करना, ओदियां तस्बीहात वेखिया करना, ओदे तकवे नूं वेखिया करना, ए कौन सिहाबी है, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ दे बहनोई कोई आम सिहाबी नहीं, बल्कि मुअज्जने मुस्तफा जनाबे मुहम्मद दा मुअज्जन हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला रजी अल्लाह ताला ने इंज करके प्यारे बिलाल नू बुलाया ना, बिलाल जी अज तुहाडे नाल कम पै गया है ना, नौ थैलियां लै जानिया ने, ए सारे नबी दी एक एक घर दे अंदर थैली दे देनी है, पर ए गल याद रखिया जे अब्दुर रहमान दा नाम नहीं जे दसना। इंज करके प्यारे बिलाल मेरे पैगंबर दी पहली बी
बीवी दे दरवाजे ते गए ने ना आंदे ने अम्मा जी ए जेड़ी दौलत है पैसे ने ना ए कोई सदका नहीं बल्कि तोहफा जे कबूल करे आजे। अम्मा जी पूछ दिया होन गिया ना, मैं कहा उम्मे सलमा पूछ दिया होन गिया ना वे बिलाल पे आ रहा है किन्ने भेजे ने ए कलन वाला कौन है। आंदे होन गे अम्मा जी मेरिया मजबूरिया ने ना मैं दस नहीं सकदा हत्ता के मेरे पैगंबर दिया सारिया बीविया दे कर जा करके दे आए। एंड ते तेरी मेरी अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला आंदे दरवाजे ते पहुंचे ने ना आंदे ने अम्मा जी ए तोहफा ते हदिया कबूल करे जे। अम्मा जी फरमांदिया ने बिलाल प्यारे मेनू दसे ना कलन वाला कौन है। हजरत बिलाल आंदे ने अम्मा जी मेरिया मजबूरिया ने ना मैं दस नहीं सकदा। अम्मा जी फरमांदे ने वे बिलाल प्यारे अगर तेरिया मजबूरिया ने तू दस नहीं सकदा अगर मैं आयशा तेनू इस नसीबा वाले दा नाम दस दिया ना प्यारे बिलाल दिया चीखा ही निकल गई। अम्मा जी हुण मेरे पैगंबर दुनिया ते नहीं रे हुण वही दा सिलसिला ते खत्म हो गया ना। अम्मा जी तुसी किवें दस सकदियां जे ऐते मैनू पता है ते कलन वाले नू पता है या मेरे रब नू पता है। अम्मा जी फरमांदियां नी इत्थे मेरी अम्मा ने और रिवायत पूरी बयान की थी। आप फरमांदियां ने जिस वक्त मेरे पैगंबर ने ना अपनियां सारियां बीवियां नू जमा कीता सी आपने फरमाया सी ना जेड़ियां दौलतां तुहाडे घर होण बैतुल माल विच जमा करवा दिया जे। नाल फरमाया जी परेशान ना होया जे घबराया जे ना मेरे बाद अल्लाह एक तकवे वाला बंदा एक ईमान वाला बंदा फइन आमनु बिमिसलिमा आमन तुम भी फकद हतदौ। ए नबी दे असहाब ने जिन्हां दे तज़करे अर्श वाला रब करदा पिया फरमाया मेरे बाद एक तकवे वाला बंदा एक ईमान वाला बंदा है ना अल्लाह ने ओदियां ड्यूटियां लगा दितियां ने ना और जिस वक्त मैं दुनिया तू चला जावा तुहाडे घर दा राशन तुहानू देगा तुहाडे घरां दा कफील बन जाएगा। अम्मा जी फरमांदियां ने सारियां नबी दियां बीवियां अपने अपने घर चलियां गईयां ना असर दा वेला होया मेरे पैगंबर ने जा नमाज बिछा लिया मेरे पैगंबर ने दो रकतां पढ़ियां ना ते नबूवत वाले हाथ चुक ले ने ते दुआवां करदे ने ऐ अल्लाह मेरे अब्दुल रहमान बिन औफ दे कारोबार अंदर बरकतां पा। अल्लाह मेरे अब्दुल रहमान बिन औफ दे रिज़क दे अंदर बरकतां पा। अल्लाह उनु दुनिया आखरत दियां कामयाबियां ता फरमा। अम्मा जी फरमांदियां मैं घर दे कम काज अंदर मशगूल मैं सज्जे जावां ते कोई आवाज मेरे कन नल टकरांदी है मैं खब्बे जावां ते कोई आवाज मेरे कन नल टकरां। अम्मा जी फरमांदियां फिर मैं रह ना सकी मैं आके पूछी ले अल्लाह दे नबी जी किते अब्दुल रहमान बिन औफ ओही ते नसीबा वाला नहीं जिन्ना ने तुहाडे तो बाद साडा कफील बनना है जिदे तज़करे अर्श वाला रब तुहानू कर चुकिया है। मेरे पैगंबर मुस्कुरा के आंदे ने आयशा प्यारी है हां हां ऐ ओही अब्दुल रहमान बिन औफ जिदे तकवे दे जिदे ईमान दे तज़करे अर्श वाला रब करके आंदा है ना एक ईमान वाला बंदा एक तकवे वाला बंदा एक मुत्तकी बंदा ते रब दा कुरान भी ते आंदा फ इन आमनो बी मिसलिमा आमन तुम भी फाका दिहता दो। हजरत जी दे ईमान दे तज़करे अल्लाह ने कीते ने हजरत अम्मा जी फरमांदियां ने इत्थे ही बस नहीं बल्कि मेरे पैगंबर ने फरमाया ना मैनू अल्लाह ने विखाया कि अब्दुल रहमान उछलदा होया अल्लाह दियां जन्नतां विच दाखिल हो गया है।
प्यारे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला वाकया सुनदे ने ना नाले रोई जांदे ने। अम्मा जी इजाजत होण ते मैं अब्दुल रहमान नूं दस दियां। इंज दौड़ लगा के अब्दुल रहमान दे करीब आए ना, आंदे ने वे अब्दुल रहमान तैनू मुबारक होए, तू कामयाब हो गया। अब्दुल रहमान आंदे ने वे बिलाल प्यारिया किंज दियां गल्लां करना, अजे ताजा ताजा गम में ना मेरे पैगंबर दी जुदाई दा, तू मुबारकां देई जाना, तू कामयाबियां देई जाना। बिलाल आंदे ने यार जिथे तक मेरे पैगंबर दी जुदाई दा गम है ना, मेरे नालों ज्यादा कौन महसूस कर सकदा है। मैं ते सुबह शाम पैगंबर दे कदमां विच गुजारे, मैं ते अजाम दे जुमले अदा करदा सी, ओनी देर तक जुमले मुकम्मल नहीं सी हुंदे जब तक मेरिया अखां दीदारे मुस्तफा नहीं सी कर लेंदियां। पर अब्दुल रहमान तेरे वास्ते जन्नत दे ऐलान मेरे पैगंबर कर चुके ने। अब्दुल रहमान बिन औफ नु प्यारे बिलाल ने सारी गल दसी न, इन्हां ने दौड़ लगा दिती अम्मा जी आयशा दे कोल, नाले रोई जांदे ने नाले आंदे ने, अम्मा जी मैनू दोबारा दसो न मेरे पैगंबर ने मेरे बारे की कहा है। अम्मा जी फरमांदे ने अब्दुल रहमान मेरे नबी ने आखिया कि मैनू रब ने विखाया कि अब्दुल रहमान उछलदा होया अल्लाह दियां जन्नतां विच दाखिल हो गया। यार जिनू जबाने नबूवत जन्नती आख देना, जिनू मेरा रब जन्नती कह देना, जिनू कुरान राशिदून कह देना, जिनू कुरान सादिकून कह देना, जिनू कुरान उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कह देना, जिनू कुरान उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कह देना, जिन्हां दियां तरजीहात फजलम मिनल्लाह ही रहिया होना, अल्लाह दी कसम फिर अगर मैं ते तू ना दी जिंदगी दे अंदर तहकीक विच पै जाइए ना, अल्लाह दी कसम उन्हां दे जन्नती होण विच शक नहीं। अगर मैं तहकीक करां ते मेरे ईमान विच शक आ जाए। यार तेरे मेरे ईमान दा हिस्सा की है, जिन्हों कुरान जन्नती कह दे मैं भी जन्नती कवां, जिन्हों कुरान राशिदून कह दे मैं भी राशिदून कवां। ओ नबी दे असहाब सारे ही जन्नती ने, बोलो सारे ही, नबी दे असहाब सारे ही जन्नती ने। ए राफजियां दा नवा जड़ा सोशा उठे है, एदे ते बड़ी स्ट्रगल कर रहे ने उस सोशल मीडिया दे उत्ते, नबी दे असहाब ते तनकीद कीती जा रही है। और रब्बे अकबर दी कसम है, नबी दे असहाब ते तनकीद करन वाला बंदा बेईमान जे, बंदा दारे इस्लाम तो खारिज है, क्योंकि उन्हें सिर्फ नबी दे असहाब दी शान अंदर शक नहीं कीता, बल्कि अल्लाह दे कुरान अंदर शक किता है, महबूब अली सलातु वसलाम दी जुबान ते शक किता है। और अज दी मुलाकात दा सबक सी मेरे पैगंबर दे सहाबा दी तरजीहात। अगर इस मजमून नू छेड़िया जाए, अल्लाह दी कसम जिंदगी थोड़ी पै जाए, नबी दे असहाब दी शान मुकाम मरतबा बयान ना कर सकीए। अल्लाह ने इतनियां शाना अता फरमाइया ने, दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां दी सच्ची मुहब्बत साढ़े सीनियां च महफूज फरमाए, और कल कयामत वाले दिन उन्हां दा साथ भी नसीब फरमाए। اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين।